गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर आनंद पाल से कुशवा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉलिस कैथेटर। एग्जाम में 20 मार्क्स से पूछा जाता है, इसे इनडवेलिंग कैथेटर भी बोलते हैं। सो कंटेंट में बात करें तो इसे फेडरिक फॉले ने 1929 में से इन्वेंट किया था। डेफिनेशन, फीमेल कैथेटराइजेशन, मेल कैथेटराइजेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर मेडिकल असिस्टेंट, देन ड्रेनेज बैग, साइज एंड कलर्स ऑफ कैथेटर, यूजेस, टाइप्स ऑफ कैथेटर, देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैथेटराइजेशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, राइट। डेफिनेशन से अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में इट इज अ थिन स्टराइल ट्यूब इंसर्टेड इन टू द ब्लैडर टू ड्रेन यूरिन, राइट। इट इज हेल्ड इन प्लेस विथ ए बैलून एट द हेड विच इज फिल्ड विथ स्टराइल वाटर टू प्रिवेंट द कैथेटर फ्रॉम रिमूव फ्रॉम द ब्लैडर, राइट। देन द यूरिन ड्रेनेज थ्रू द कैथेटर ट्यूब इन टू ए बैग विच इज एम्प्टीड व्हेन फुल, राइट। तो कैथेटराइजेशन क्या होता है, यहाँ पे एक ट्यूब को यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट किया जाता है, वहां से यूरिन को बाहर निकाला जाता है, राइट। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैथेटराइजेशन, राइट। सो द प्रोसीजर टू इंसर्ट ए कैथेटर इज कॉल्ड कैथेटराइजेशन। फीमेल कैथेटराइजेशन क्या होता है, सो फीमेल यूरेथ्रा इज अ शॉर्ट कंपेयर टू द मेल यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा मेल यूरेथ्रा कंपेयर में शॉर्ट होता है। इट इज लोकेटेड अबाउट द वेजाइना इन पेल्विस। Insertion of the catheter is facilitated by having the patient lie down on his or her back with the buttocks at edge of examination table. Adequate exposure of urethra is obtained by elevating and supporting the legs by the strap or placing them in the frog leg position. Finally, labia are separated to the exposure the urethra, right? So female catheterization, then मेल कैथेटराइजेशन। तो मेल कैथेटराइजेशन, द मेल यूरेथ्रा इज लॉन्ग कंपेयर टू द फीमेल यूरेथ्रा। कैथेटर इज प्लेस्ड व्हाइल लाइंग डाउन और इन अ फ्रॉग लेग पोजीशन। इफ देयर इज ए फोर स्किन इट इज रिट्रैक्टेड टू इट्स मैक्सिमम लिमिट, राइट। तो यहाँ पे मेल कैथेटराइजेशन में ध्यान रखना होता है, अगर फोर स्किन है तो उसे मैक्सिमम लिमिट से रिट्रैक्ट करना होता है। इंस्ट्रक्शन फॉर मेडिकल असिस्टेंट, तो कुछ इंस्ट्रक्शन है। द यूरेथ्रा इन सराउंडिंग एरिया क्लीन विद द कॉटन बॉल डिप्ड इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से पूरा क्लीन करना होता है जेनिटल्स। बिगनिंग एट यूरेथ्रा द क्लींजिंग इज परफॉर्म्ड इन द सर्कुलर मोशन मूविंग आउटवर्ड टू सराउंडिंग एरियाज, राइट। ए फॉलिस कैथेटर लुब्रिकेंट विद वाटर सोल्यूबल जेली इज इंसर्टेड इन टू द ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा, ओके। देन वंस द कैथेटर इज पास्ड द बैलून इज इन ब्लैडर। It is then slowly inflated with about 10 cc of water using a syringe. In inflating the balloon should not be painful, right? तो एक बार once आपका bladder के अंदर catheter चला जाए, उसके बाद में 10 cc वहाँ पे sterile water वहाँ पे insert किया जाता है, जिससे अंदर balloon वहाँ पे फूल जाए और वहाँ पे fix हो जाए catheter. At the time urine is present in the bladder should flow back through the catheter into the sterile drainage bag, right? तो जैसे आप उसमें 10 cc of water आप अंदर drain करते हो, वहीं से सेकेंड आउटलेट से वहां से यूरिन आपके यूरिनरी ड्रेनेज बैग के अंदर आ जाना चाहिए, राइट। देन ड्रेनेज बैग, तो व्हाइल एट द हॉस्पिटल द यूरिनरी ड्रेनेज बैग विल बी हैंग बेड साइड रेल बाय हुक ऑन द बैग। इन हॉस्पिटल्स जो यूरिनरी बैग जो रहता है, ड्रेनेज बैग रहता है, वो पेशेंट के काउच के बेड साइड पे रेलिंग पर लगा हुआ रहता है। द कैथेटर बैलून इज डिप्लेटेड बाय द इंसर्टेड सिरिंज इनटू द कैथेटर वॉल एंड पुलिंग बैक ऑन द सिरिंज। द प्रेशर इन द बैलून विल बी कॉज वाटर टू फ्लो इन टू द सिरिंज, राइट। जब भी इसे यूरिनरी बैग को कैथेटर को रिमूव किया जाता है, तो वहां पे सिरिंज से पहले डिस्टिल वाटर को अगेन निकाला जाता है। आफ्टर दैट बैलून का नॉर्मल साइज में आने के बाद में उसे बाहर निकाला जाता है। वंस द बैलून इज एम्प्टी द फॉलिस कैथेटर कैन बी पुल्ड आउट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं साइज कलर ऑफ द फॉलिस कैथेटर। तो यहाँ पे हमने फ्रेंच यूनिट में दिया हुआ टेबल में वो एमएम में, तो येलो ग्रीन कलर में 6 फ्रेंच यूनिट और 2.0 एमएम, देन कॉर्न फ्लावर ब्लू 8 इन फ्रेंच यूनिट 2.7 एमएम, देन ब्लैक कलर में 10 3.3, व्हाइट 12 4.0, ग्रीन 14 4.7, ऑरेंज 16 5.3, रेड 18 6.0, येलो 20 6.7, पर्पल 22 7.3, देन ब्लू 24 8.0, देन ब्लैक और बैक 26 और 8.7, राइट। ये डिफरेंट कलर्स अब हम आगे देखेंगे कि डिफरेंट पर्टिकुलर कलर्स पीडियाट्रिक में यूज होता है, नियोनेट में यूज होता है, मेल और फीमेल में यूज होता है। जब भी आप कैथेटर देखेंगे वहां पे आपको फ्रेंच यूनिट में सारी यूनिट्स आपको वहां पर मेंशन की हुई रहेगी, राइट। देन यूजेस, तो कहां कहां इसका यूजेस किया जाता है, ऑन दी
ऑन द कॉमटोस पेशेंट, ऑन पेशेंट हु इज एनेस्थेटिक और सेडेटेड फॉर सर्जरी और अदर मेडिकल केयर, ऑन सम इनकॉन्टिनेंट पेशेंट्स, ऑन पेशेंट विथ एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, ऑन पेशेंट हुज प्रोस्टेट इज इनलार्ज द पॉइंट दैट यूरिन फ्लो फ्रॉम द ब्लैडर इज कट ऑफ फॉलोइंग यूरेथ्रल सर्जरीज, फॉलोइंग यूरेथ्रेक्टोमी बिफोर एंड आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, बिफोर एंड आफ्टर हिस्टेक्टोमी ऑन पेशेंट हु हैव हैड जेनाइटल इंजरी, राइट। इन सभी में इसका यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ कैथेटर कितने टाइप के होते हैं, तो स्ट्रेट सिंगल यूज कैथेटर, टू वे फॉलिस कैथेटर, रिटेंशन कैथेटर बोलते हैं इसे, कर्व्ड और कर्व्ड कैथेटर और थ्री वे फॉलिस कैथेटर, राइट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कैथेटर। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो कॉम्प्लिकेशन में बात करें, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैथेटराइजेशन में इंटरमीटेंट कैथेटराइजेशन और कैथेटराइजेशन एंड सेल्फ कैथेटराइजेशन। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जेनाइटल इन्फेक्शन, इपिडिडाइमेटाइसिस, देन यूरेथ्रल ब्लीडिंग, फॉल्स पैसेज, यूरेथ्रल मेटल स्ट्रक्चर, देन ब्लैडर स्टोन, लॉस ऑफ कैथेटर इन ब्लैडर, ब्लैडर परफोरेशन, ब्लैडर नेक्रोसिस। तो प्रिवेंशन में गुड पेशेंट कंप्लियंस, यूज ऑफ प्रॉपर मटेरियल, एप्लीकेशन ऑफ गुड कैथेटराइजेशन टेक्निक्स, राइट। देन इंडवेलिंग यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन, यहाँ पे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, देन ब्लैडर स्टोन्स, ब्लैडर कैंसर एंड एलर्जी। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन में प्रॉपर कैथेटर प्रोटोकॉल इज इसेंशियल इन द ऑर्डर टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। एसेप्टिक टेक्निक यूज्ड, पेशेंट एजुकेट ऑन द डेली क्लीननेस एंड हाइजीन केयर एंड थ्रोली यूरोलॉजिकल चेकअप मैंडेटरी टू प्रिवेंट यूरेथ्रल कॉम्प्लिकेशंस कैथेटर विथ ए स्मॉलर साइज, राइट। जहां पे भी आपको ऐसा लगता है आपको इसके कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस करने, तो जो कैथेटर होता है उसके साइज स्मॉल साइज आपको यूज करना चाहिए, 12 टू 14 साइज फॉर मेन, 14 टू 16 साइज फॉर वुमेन, राइट। नेक्स्ट वन इज सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन, एंड अल्टरनेटिव टू इनडवेलिंग यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन इज इन इनडवेलिंग कैथेटराइजेशन इन लोअर एब्डोमिनल थ्रू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। यहाँ पे हम वाया एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कैथेटराइजेशन करते हैं। दिस इज मोस्ट कॉमन कॉल्ड सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन, इसे हम सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन में मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ कैथेटराइजेशन, कैथेटर एंड बैग, स्टोन फॉर्मेशन, यूटीआई इन्फेक्शन, ब्लैडर कार्सिनोमा। ए यूनिक कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट विद द सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन इज बॉवेल परफोरेशन ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर टू इंसर्ट द कैथेटर, राइट। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होता है जब भी आप सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन कर रहे होते हैं, वहां बॉवेल परफोरेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसी एज ए सेफ एंड इफेक्टिव लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, राइट। इसे है ना सेफ एंड इफेक्टिव लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कहा गया है। यहाँ पे हम एक डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में इन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट शो किया है। टू वे चैनल, दिस वन इज ए विसल टिप, दिस वन इज ए कॉर्ड टिप, देन टाइमेन टिप, टू वे चैनल्स, राइट। यहाँ पे थ्री वे, वन टू एंड थ्री वे चैनल्स, यहाँ पे टू वे चैनल्स, वन एंड टू वे चैनल्स, राइट। देन यहाँ पे इन लोगों ने सिक्स फ्रेंच यूनिट, 8, 10, इन तीनों को इन्होंने पीडियाट्रिक में यूज किया हुआ है, 6 to 10, 12, 14, 16। तो 12 और 14 को इन्होंने एडल्ट फीमेल में यूज किया हुआ है, 16, 18 को इन्होंने एडल्ट मेल में यूज किया हुआ साइज को, 20 to 22 क्लोट रिटेंशन में इन्होंने यूज किया हुआ है। कैथेटर लेंथ पीडियाट्रिक में 30 सेंटीमीटर, फीमेल में 26 सेंटीमीटर एंड मेल में 43 सेंटीमीटर, राइट। देन नेक्स्ट वन में हम लोग इसे पार्ट्स की बात करेंगे। सो पार्ट्स में दिस वन इज एम्प्टीनिंग स्पाउट, यहां से हम इस बैग में से यूरिन को एम्प्टी कर सकते हैं, कलेक्शन। देन दिस वन इज ड्रेन ट्यूब, दिस पर्टिकुलर इज ए पोर्ट फॉर बेलून इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। यहां से हम लोग सीरीज से 10 cc हम लोग स्टरल वाटर इंसर्ट करके बेलून को हम यहाँ पे इन्फ्लेट करते हैं और डिफ्लेट करते हैं। दिस पर्टिकुलर ट्यूब इज ए कैथेटर कनेक्टेड टू द ड्रेनेज ट्यूब, दिस वन इज कैथेटर, दिस पर्टिकुलर इज ए बेलून इन्फ्लेटेड दैट कीप्स कैथेटर इन द ब्लैडर, राइट, एंड एलिएट देन ड्रेन्स यूरिन, राइट। ये यूरिन कैथेटर की हमने बात किया। अगेन हम इसे रिवाइज करेंगे एक बार। फॉलिस कैथेटर और इंडवेलिंग कैथेटर, इसे फेडरिक फॉलिन ने 1921 में इन्वेंट किया था। डेफिनेशन, फीमेल कैथेटराइजेशन, मेल कैथेटराइजेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर मेडिकल असिस्टेंट, ड्रेनेजिंग बैग, साइज एंड कलर्स ऑफ कैथेटर, यूजेस, टाइप्स ऑफ कैथेटर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैथेटर, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ द कैथेटर। थैंक यू।